सरीना पर सासु
किया। सुग्रीव के ऊपर हाथ घुमाया, समस्त पीड़ा को हर लिया। वाणी की कृपा नवदा भक्ति के द्वारा, नौ प्रकार की भक्ति बताई वाणी की कृपा। कानों की कृपा, जो कोल भीड़ आए थे राम जी के स्वभाव का वर्णन कर रहे थे, उनको सुन रहे थे। राम जी शांति से बैठ करके सुन रहे थे, इसलिए किसी की बात को सुन रही ये भी कृपा करता है। उन पर कानों की कृपा की, लेकिन आज मानस की अहिल्या को देखें। राम जी ने एक प्रकार से कृपा नहीं की, चार चार प्रकार से कृपा कर दी अहिल्या के ऊपर। गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहे मूब से। राम जी तो चले जा रहे थे क्या जरूरत थी पूछने के लिए, लेकिन नहीं, राम जी को कृपा करना था। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, शिला पड़ी हुई थी, शिला की तरफ देखा, देखने पर हुई आंखों की कृपा। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, जब देखा तो देखने पर हुई आंखों की कृपा, और जब देखा तो देखने के बाद पूछा, जब पूछा और देखा तो बीच में एक कृपा हो रही, बोले इशारा किया होगा। जब देखा तो इशारा भी किया होगा कि ये क्या है, तो इशारा करने पर हाथ की कृपा, देखने पर आंखों की कृपा, इशारा करने पर हाथ की कृपा, और पूछने पर वाणी की कृपा। चौथी कृपा, बोले सकल कथा मुनि कहेहू विषय, संपूर्ण कथा गुरुदेव सुना रहे हैं और राम जी सुन रहे हैं। गुरुदेव बन गए वक्ता और राम जी बन गए श्रोता। अहिल्या के जीवन की व्यथा जब राम जी ने सुनी तो फिर वो व्यथा नहीं रही, फिर तो वो कथा बन गई, जिस कथा को आज हम और आप सुन रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राम जी कृपा करते हैं अहिल्या के ऊपर। दूसरा भाव मिला। राम जी ने कृपा कैसे की, बोले गुरुदेव ने कहा है तुम्हारे स्पर्श से ही इनको सदगति मिलेगी। राम जी सोच रहे थे कि इतने में हवा चलने लगी, और जैसे ही हवा चली, पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज का ये भाव है, जैसे ही हवा चली तो राम जी के चरणों के नीचे की रज उस शिला में स्पर्श हुई। जैसे स्पर्श हुई वो नारी के रूप में परिणत हो गई और हाथ जोड़ करके कहा, मुनि श्राप जो पीना अति बल पीना, परम अनुग्रह में माना। मुनि ने श्राप दिया, आज वही मेरे अनुग्रह का कारण बना। यदि मुनि ने श्राप नहीं दिया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे प्राप्त होता। राम जी के चरणों में प्रणाम किया, राम जी कृपा करके आगे बढ़े, दर्शन कराते हैं संत जन। आज परमात्मा सबके कार्य सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, शुभ समय आ रहा है। गोस्वामी जी ने संकेत दिया, बोले समय जानी गुरु आय सुपाही, 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 लेन प्रसून चले तो भाई, लेन प्रसून चले तो भाई, लेन प्रसून चले तो भाई। आज शुभ समय जानकर के गुरुदेव की आज्ञा हुई, बोले राम पुष्प लेकर के आओ, बड़ा सुंदर दर्शन है मानस में। राम जी जिस वाटिका में जाने वाले हैं उस वाटिका का नाम है पुष्प वाटिका। मानस की दो वाटिका है, एक है पुष्प वाटिका और दूसरी है अशोक वाटिका। पहली है योगी की वाटिका और दूसरी है भोगी की वाटिका। पहली में सीता राम जी का संयोग हुआ है और दूसरी में वियोग हुआ है। पहले में मिलाप हुआ है, दूसरे में विलाप हुआ है।
ये मानस की वाटिका है, पुष्प वाटिका, जहां पर माता जानकी का नित्य प्रति का नियम था कि वो गिरजा मैया का पूजन करने आया करती थी। कुमारी कन्याओं के लिए बताते भी हैं कि इनको नित्य प्रति गिरजा मैया का पूजन करना चाहिए। ये पार्वती मैया कौन है? साधारण नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले नहीं तब आती मध्य अबुसाना, नहीं तब आती मध्य अबुसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। अमित प्रभावशाली है, इसलिए इनका व्यक्तित्व, इनका चरित्र इतना दिव्य माना गया कि आज भी माताएं बहने कोई व्रत करती हैं तो जब तक इनकी पूजा नहीं कर लेती है, भोलेनाथ माता पार्वती की कथा नहीं सुन लेती, तब तक वो पूर्ण नहीं माना जाता। इनका व्यक्तित्व, इनका चरित्र इतना दिव्य है। गिरजा मैया आती थी नित्य प्रति पूजन करने के लिए, सीता मैया नित्य प्रति आती थी। आज कुछ विशेष है। विशेष क्या है? जनकपुरी में स्वयंवर है, सी स्वयंवर। आज माता सीता आ रही है पूजन करने। माता सीता आ रही है अपनी अष्ट सखियों के साथ, राम जी आ रहे हैं पुष्प लेने लखन लाल जी के साथ। लखन लाल जी साक्षात शेषावतार, और आज शेषावतार के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो कि विष्णु के अवतारी हैं, वो आ रहे हैं। माता जानकी है लक्ष्मी और राम जी हैं विष्णु। शास्त्रों में दर्शन मिला, जिस प्रकार विष्णु भगवान आते हैं उसी प्रकार लक्ष्मी मैया आती है। किसी के गर्भ से नहीं, इनका प्राकट्य होता है। जब विष्णु भगवान राम बनकर के आए तो लक्ष्मी मैया सीता बनकर के आई। राम जी प्रकट हुए, चारों तरफ प्रकाश होने लगा, वैसे ही जानकी मैया गर्भ से नहीं आई, धरती से मिली, जिनका नाम भूमिजा पड़ा। जब यही विष्णु भगवान कृष्ण बनकर के आए तो कारागार में प्रकाश हो गया, तो लक्ष्मी मैया बनकर के आई रुक्मिणी, और जब रुक्मिणी बनकर के आई तो राजा भीष्मक को मिली कमल के पुष्प पर। राजा सीत भीष्मको नामा, आप इस श्लोक का जब भाव सुनेंगे तो उसमें संपूर्ण विवरण है। रुक्मिणी मैया कैसे मिली? बोले एक कमल के पुष्प पर मिली। अर्थात लक्ष्मी मैया गर्भ में वास नहीं करती, जब भी आती है तो परमात्मा की लीलाओं में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रकट होकर के आती है, लीला करती हुई आती है। सीता बनकर के आई धरती से मिली, रुक्मिणी बनकर के आई राजा भीष्मक को कमल के पुष्प पर मिली। कोई कितना भी प्रयास कर ले, लक्ष्मी सिवाय नारायण की किसी और की हो नहीं सकती। आज मिलन होने वाला है पुष्प वाटिका। एक सखी सीय संग बिहाई, माता जानकी की एक सखी ने देखा राम जी को। जैसे ही देखा, देखने के बाद वो तो बावली सी हो गई, और वो भी क्यों ना, सरकार का स्वरूप ही ऐसा है। वृंदावन के लाखों नर नारी आज भी लाइन में खड़े रहते हैं, सरकार एक छवि तो दिखलाता। वृंदावन के एक भक्त जैसे ही आए वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने, तो वहां का नियम है कि हर दो मिनट में पर्दा लग जाता है। आप सभी तो गए होंगे गोवर्धन वृंदावन। एक बार जोर से जयकारा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वहां दो मिनट में पर्दा लग जाता है। क्यों? कि बिहारी जी की नजर ना मिल जाए किसी से। नजरों का ही खेल है वहां पर। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेश। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम जी के नयनों में गंभीरता है,
और भगवान श्री कृष्ण के नैनों में चपलता है। इसलिए राम जी हुए मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान श्री कृष्ण हुए लीला पुरुषोत्तम। एक भक्त ने देखा, सरकार को देखने के लिए आया, उतने में पर्दा लगा दिया तो वो गाने लगा, पट खोल पुजारिन आई है तेरा रूप निहारने आई है। लाखों पुजारिन खड़ी हुई है, तुम्हारा दर्शन करने आई है, इसलिए पर्दा खोल दो। पुजारी कहते नहीं, ये हमारा नियम है, यहाँ के कुछ नियम है, व्यवस्थाएं हैं, समय समय पर खुलेगा, कई पीछे की घटनाएं भी है। तो भक्त कहते हैं कि सताओ ना हमें जग वालों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा बैद दुनिया में वो बस बाके बिहारी। वो भक्त कहने लगा कि दुनिया के जितने भी हैं वे ताना मारते हैं, ये पुजारी हो गए, भक्त हो गए हैं, चार दिन से टीका लगाने लगे हैं, सत्संग में जाने लगे हैं, तो दुनिया वालों से कहते हैं वो कि सताओ ना हमें जग वालों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा बैद दुनिया में वो बस बांके बिहारी। लोगों ने पूछा ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया बिहारी जी ने, तो वो जवाब देते हैं कि उसी ने दर्द दे करके मेरा ये हाल कर डाला, लगाया रोग अब ऐसा हमें बेहाल कर डाला। हुआ क्या है, नहीं मारा नहीं छोड़ा, गजब का ये शिकारी है। ठाकुर जी की नजरों का कर्म ये है, ना तो मारते हैं ना छोड़ते हैं। हमारा बैद दुनिया में वो बस बाके बिहारी। लीला क्या है, बोले कभी छिपके आ जाते हो और कभी आके छिप जाते हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो, बोलो मोहन जी सरकार की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए दो बार प्रभु का नाम लें, मेरा राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बन भारी, मेरा राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बन भारी। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, श्री माते बिहारी नंदलाल मेरा है, माते बिहारी नंदलाल मेरा है, श्री माते बिहारी नंदलाल मेरा है, ओ श्री माते बिहारी नंदलाल मेरा है, गोविंद मेरा है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल है धन दौलत का।
का ये पागल बेटारी का। सच्चा पागल तो वो ही है जो पागल माँ के बिहारी का, जो पागल माँ के बिहारी का, जो पागल रमन बिहारी का, जो पागल रमन बिहारी का। आज वो संत कहते हैं कभी आके छिप जाते हो और कभी छिप के आ जाते हो, और कभी छिप के आ जाते हो, और कभी छिप के आ जाते हो, कभी रोते को हंसाते हो और कभी हंसते को रुलाते हो, और कभी हंसते को रुलाते हो, और कभी हंसते को रुलाते हो। इसलिए आज वो अधिकार मान करके ठाकुर जी से कहते हैं मेरा रोना देखती दुनिया सारी है, देखती दुनिया सारी है, हमारा वैद दुनिया में जय हो। आज यही भाव एक सखी श्री संग बिहारी, जैसे ही देखा देखने के बाद वो तो बावली सी हो गई, कहती है कि हम पे चलाई गई और टोना, ऐसा लगता है किसी ने जादू टोना कर दिया। कौन है बोले किशोर गौर सांभरो सलोना। सखियों ने पूछा भैया कौन है हम भी तो देखे, तो वो बताती है कि सुंदर श्याम गौर की जोड़ी, जैसे ही देखा देखते ही हो गया जो था होना किशोर गौर सांभलो सर। सरकार की छवि को देखने के बाद मन में गदगद है, पुलकित है, कुछ बोल नहीं पा रही, बस नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक रहे हैं। ये दर्शन मिला श्रीमद् भागवत के किस श्लोक में। भक्ति की सीढ़ी होती है, जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं एक सीढ़ी पर बढ़ते जाते हैं। एक श्लोक में दर्शन कराया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। धीरे धीरे बढ़ते जाए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सबसे पहले परमात्मा के गुणों को सुनना, फिर सुनने के बाद कीर्तन करना, कीर्तन करने के बाद उनके चरणों की सेवा करना, चरणों की सेवा करके अर्चना करना, वंदना करना, और अंत में सख्य भाव से आत्मनिवेदन करना। जब आत्मनिवेदन करते हैं तब व्यक्ति की यही स्थिति होती है। मंदिर में आप देखते हैं जब पुजारी जी आरती करते हैं तो आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके खड़े रह जाते हैं, उस समय वो आत्मनिवेदन कर रहे होते हैं, और उस समय भाव यही होता है कि हे नाथ, इस जीवन में मेरा आपके अलावा और कोई है ही नहीं, अब तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम। जब ये भाव हमारे मन में आ जाता है तब हमारा जीवन भक्ति के मार्ग पर है। आज उस सखी के मन में कुछ नहीं आ रहा, बस आंखों से प्रेमाश्रु छलक रहे हैं। इतने में देखा जनक नंदिनी मंदिर में है, पूजा कर रहे हैं,
जब कानों में आवाज पड़ी तो आज जानकी मैया आ रही हैं राम जी का दर्शन करने के लिए। जब राम जी का दर्शन करने के लिए आ रही तो कैसे आ रही, बोले कंकन किंकिन नूपुर धुन सुख। माता जानकी के तीन आभूषण बज रहे हैं, तीन आभूषण, कंकन हाथ में कंगन पहने वो बज रहा है, किंकिन कमरबंद वो बज रहा है, और चरणों में है नूपुर पायल। कंकन किंकिन नूपुर धूषण, तीन आभूषणों को प्रतीक बताया। ये प्रतीक किसका है? आज साक्षात लक्ष्मी नारायण से मिलने आ रही है। जब नारायण से मिलने आ रही है, मिलन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, बोले कंकन है समर्पण का प्रतीक। जिसके जीवन में समर्पण होगा उसी को नारायण मिलेंगे। किंकिन जो कमरबंद है वो है संयम का प्रतीक। जिसके जीवन में संयम होगा, आचार विचार होगा, जिसकी दिनचर्या ठीक होगी, जिसका रहन सहन अच्छा होगा, खान पान अच्छा होगा, उसको नारायण का दर्शन।